गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू क्लास के जी सेकेंड आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे अपोजिट सो लेट्स स्टार्ट कम टू द पेज नंबर फिफ्टी टू अपोजिट अपोजिट मीस होता है उल्टा जिसे हमने हिंदी में विलोम शब्द पढ़े ऐसे ही इंग्लिश में होता है अपोजिट चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंस के सामने हमें कुछ ब्लैंक स्पेस दी गई है हमें इस ब्लैंक स्पेस में जो ये सेंटेंस जो ये वर्ड दिया गया है इस वर्ड का करेक्ट अपोजिट वर्ड यहाँ से ढूंढना है और उसे यहाँ पर फिल अप करना है द रेबिट इज फास्ट बट द इज क्या टोटोइ इ करेंगे हम यहाँ पर फास्ट का अपोजिट क्या होता है हमने नर्सरी और केजी फर्स्ट में इन्हें और याद भी किया आप बताइए फास्ट का अपोजिट क्या होता है फास्ट का अपोजिट होता है स्लो तो हम क्या फिलअप करेंगे रेबिट इज फास्ट जो ये रेबिट है ये बहुत तेज दौड़ता है और जो ये यहाँ पर टोयटोइ दिया गया है ये बहुत स्लो चलता है तो फास्ट का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर स्लो तो हम क्या फिलअप करेंगे यहां पर एस एल ओ डब्ल्यू एफ ए एस टी फास्ट एस एल ओ डब्ल्यू स्लो फास्ट मिस होता है तेज और स्लो मिस होता है धीमा नेक्स्ट नंबर टू द एलिफेंट इज बिग बिग मींस क्या होता है बड़ा द एलिफेंट इज बिग बट द रेट द रेट इज बिग का अपोजिट क्या हुआ बिग का अपोजिट क्या होता है स्मॉल द बिग एलिफेंट इज बिग बट द रेट इज स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल जो यहाँ पे हमें एलिफेंट दिया गया है एलिफेंट कैसा है बड़ा और उसके आगे रेट कैसा है छोटा बिग मिस होता है बड़ा और स्मॉल मिस होता है छोटा एलिफेंट इज बिग बी आई जी बिग एंड रेट इज स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल नंबर थ्री द बॉय इज यंग यंग मीन्स क्या होता है जवान द बॉय इज यंग बट द मैन इज यंग का अपोजिट क्या होता है ओल्ड बोलिए ओ एल डी ओ एल डी ओल्ड द बॉय इज यंग वाई ओ यू एन जी यंग यंग मीस जवान बट द मैन इज ओल्ड ओ एल डी ओल्ड ओल्ड मीस बूढ़ा यंग का अपोजिट क्या हुआ ओल्ड नेक्स्ट दिस ट्री इज टॉल बट दिस ट्री इज टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट बोलिए एस एच ओ आर टी द ट्री इज टॉल टी ए डबल एर टॉल बट दिस ट्री इज शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट टॉल मिस लंबा शॉर्ट मिस नाटा नेक्स्ट दिस टी इज हॉट एच ओ टी हॉट हॉट मिस गर्म बट दिस ड्रिंक इज हॉट का अपोजिट क्या होता है कॉल्ड क्या लिखेंगे हम यहां पर सी ओ एल डी सीओ एल डी कोल्ड हॉट मिस गर्म और cold मिस ठंडा दिस टी इज हॉट बट दिस ड्रिंक इज cold. Cold मिस क्या होता है ठंडा तो हॉट का अपोजिट क्या हुआ कोल्ड नेक्स्ट कम टू देज नंबर फिफ्टी थ्री हमें यहां पर भी हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है क्राइंग लाइट बेट लेस एम टी द ब्रिक इज हैवी हेवी मीस होता है भारी एच ई एवी वाई हेवी हेवी मींस होता है भारी बट द फेदर इज हेवी का अपोजिट क्या होगा लाइट हैवी का अपोजिट लाइट एल आई जी एच टी लाइट हेवी का अपोजिट क्या हुआ लाइट द ब्रिक इज हैवी बट द फेदर इज लाइट नेक्स्ट द गर्ल इज लाफिंग एल ए यू जी एच आई एन जी लॉफिंग लॉफिंग मींस होता है हंसना बट द बॉय इज बॉय क्या कर रहा है यहां पर रो रहा है गर्ल क्या कर रही है हंस रही है तो लाफिंग का अपोजिट क्या होगा क्राइंग द बॉय बट द बॉय इज सी आर वाई आई एन जी क्राइंग द गर्ल इज लाफिंग बट द बॉय इज क्राइंग लाफिंग का अपोजिट क्या हुआ क्राइंग नेक्स्ट दिस स्वीट इज मोर बट दिस स्वीट इज मोर का अपोजिट क्या हुआ मोर का अपोजिट होता है मोर का मीनिंग होता है ज्यादा या अधिक जैसे हमें यहाँ पर इस बाउल के अंदर जो स्वीट दिख रहे हैं लड्डू हमें इस बाउल की जो लड्डू की जो क्वांटिटी है ज्यादा है और जो ये वाला बाउल है इसमें लड्डू की क्वांटिटी कम है तो मोर का अपोजिट क्या होगा लेस मोर मीस ज्यादा या अधिक लेस मीस कम एल ई डबल एस मोर मिस ज्यादा और लेस मिस कम द गर्ल इज गुड बट द बॉय इज गुड का अपोजिट क्या होगा जी डबल ओ डी गुड गुड का मीनिंग होता है अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा गुड का अपोजिट होता है बेड बी ए डी बी ए डी बेड गुड मीस अच्छा और बेड मीस बुरा द गर्ल इज गुड बट द बॉय इज बेड नेक्स्ट दिस ग्लास इज फुल एफ यू डबल एल फुल फुल मीस होता है पूरा भरा हुआ दिस ग्लास इज फुल बट दिस ग्लास इज फुल का अपोजिट क्या होगा फुल का अपोजिट होता है एम टी ई एम पी टी वाई एम टी एम टी मीस खाली दिस ग्लास इज फुल बट दिस ग्लास इज एम टी तो फुल का अपोजिट क्या हुआ एम टी फुल मीस भरा हुआ और एमटीम खाली नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर फिफ्टी फोर यहाँ पर भी हमें हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं सेट एस ए डी सेट डब्ल्यू टी वेट एफ ए टी -फे फेट ओ पीई एन ओपन टी एच आई सी के थीक नेक्स्ट दिस जोकर इज हैप्पी एच ए डबल पी वी हैपी मिस होता है खुश बट ही इज यहां पर ये जोकर कैसा दिख रहा है हैप्पी दिख रहा है नहीं हैप्पी का अपोजिट क्या होता है सैड एस ए डी सैड हैप्पी मिस होता है खुश और सैड मिस होता है दुखी दिस जोकर इज हैप्पी

थिक मिस होता है मोटी थिन मिस पतली और थिक मिस मोटी थिन का अपोजिट क्या हुआ थिक। नेक्स्ट दिस डॉग इज ड्राई ड्राई मिस होता है सूखा बट दिस डॉग इज ड्राई का अपोजिट क्या होगा ड्राई का अपोजिट होता है वेट वेट मिस भीगा हुआ तो दिस

But this boy is slim ka opposite kya hua? Fat. Fat means mota. A, A, T. Fat. Slim. Slim means patla. Fat means mota. This boy is slim. But this boy is fat. Next. This window is closed. क्लोज मीस क्या होता है बंद दिस विंडो इज क्लोज बट दैट विंडो इज क्लोज का ऊपर अपोजिट क्या होगा ओपन क्लोज का अपोजिट क्या होगा ओपन तो क्या लिखेंगे हम यहां पर ओ पी ई -E एन क्लोज का अपोजिट क्या हुआ ओपन ओपन मीस खुला यहां पर हमें विंडो दिया गया है ये कैसा है क्लोज और ये विंडो ओपन है तो क्लोज का अपोजिट क्या हुआ ओपन चलिए हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं बोलिए फास्ट फास्ट का अपोजिट क्या होगा स्लो फास्ट स्लो बिग स्मॉल यंग ओल्ड Tall, short, hot, cold, heavy, light, laughing, crying, more, less, good, bad, happy, sad, thin, thick, dry, wet, slim, fat. क्लॉज ओपन अभी हमने यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखना और बोलना सीखा आपको भी इन्हें ऐसे ही बोल बोल कर यहाँ पर लिखना है और इन्हें याद भी करना है ये आपका एच डब्ल्यू है नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर फिफ्टी फाइव मेस द वर्ड विद द पिक्चर ऑफ इट्स अपोजिट ऑल्सो राइट द अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और इन्हीं के सामने हमें इनकी अपोजिट पिक्चर भी दी गई है हमें इन वर्ड को पढ़ना है और इनकी जो अपोजिट यहाँ पर पिक्चर दी गई है उससे इन्हें मैच करना है और नीचे उनकी स्पेलिंग भी हमें यहाँ पर राइट करना है ये आपका एच डब्ल्यू है चलिए हम एक देखते हैं जिसे यहां दिया गया है हमें डी आर वाई डी आर वाई ड्राई ड्राई का अपोजिट अभी हमने क्या पढ़ा यहां पर ड्राई का अपोजिट होता है वेट अब बताइए इसमें हमें वेट कहाँ है ड्राई <coughs> मिस होता है सूखा और वेट मिस होता है भीगा हुआ कौन सा पिक्चर मैच होगा उससे ये वाला तो हम ड्राई को इससे मैच करेंगे और यहाँ पर उसकी स्पेलिंग फिलअप करेंगे W E T वेट ड्राई मीस सूखा और वेट मीस भीगा हुआ ऐसे ही आपको इन स्पेलिंग को यहाँ पर पढ़ना है इन वर्ड को और इनसे मैच होती हुई पिक्चर से इन्हें मैच करना है और इनकी स्पेलिंग भी यहाँ पर फिलअप करना है ये आपका एच डब्ल्यू है